स्क्रीन सैम अर्चना रॉय सी अर्चना रॉय चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप लोग मेरा चैनल को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स भी दे रहे हैं आप लोग। ये ड्राई एंड ग्रेवी दोनों कश्मीरी राजमा आप लोग बना सकते हैं। तो कश्मीरी राजमा कश्मीरी जाने के बाद कश्मीरी राजमा के ऊपर मेरा प्यार आ गया है, तो तब से हम खाना शुरू कर दिया है। अभी देखिए कैसे हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट हम अपलोड कर दिया है। अभी राजमा को हम बॉईल नहीं किया है, जस्ट हम उसको गर्म पानी से वॉश कर लिया। अभी ऑनियन गार्लिक जिंजर सबको हम पेस्ट एंड क्रैश दोनों करेंगे, जिंजर को नहीं, गार्लिक एंड ऑनियन को क्रैश एंड पेस्ट दोनों बनाएंगे। इसके साथ दो नया मसाला रहेगा, एक सनफ्लावर सीड्स ग्रेवी बनाने के लिए और एक रहेगा मेथी। मेथी को हम हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना के लास्ट पे हम ऐड करेंगे और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। सनफ्लावर सीड्स को हम ऑनियन के साथ अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी, हेल्थ बेनिफिशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इस हेल्दी चीज़ हम माने सीड्स हम डाल रहे हैं। देखिए कैसे राजमा को गर्म करके उसका कलर जो आता है तो उसका हटा देते हैं। हाँ, फिर हम उसको बॉयल नहीं करेंगे, एक साथ ही हम कुक करेंगे। अभी पैन में हम मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, क्यूमिन सीड्स एंड दो गोटा मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। स्लाइस जो ऑनियन है, स्लाइस्ड ऑनियन को हम अच्छे से फ्राई करके अभी देखिए ब्राउन शुगर एंड टर्मेरिक पाउडर ऐड करके कलर एंड टेस्ट के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम ऐड करेंगे जी गार्लिक पेस्ट। गार्लिक में हल्का सा हम मिर्चा डाले हैं क्योंकि ये कश्मीरी मिर्च कश्मीरी राजमा मसाला, तो कश्मीरी में बहुत ज़्यादा वो लोग मिर्च खाते हैं, तो मिर्च पाउडर यूज़ किया जाता है। तो सब में हम थोड़ा करके मिर्च ऐड कर दिया है। अभी देखिए जिंजर डाले हैं। जिंजर को कि हम अच्छे से फ्राई करने के बाद जो सनफ्लावर और ऑनियन का जो पेस्ट बनाए थे उसको हम डाल दिया है। अभी सब मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। जैसे ही रोस्ट हो जाएगा तब हम डालेंगे कोरिएंडर, जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर। ज़्यादा तीखा हम नहीं बनाएंगे, बट कश्मीर में जो खाए थे वो तीखा ही था, बहुत टेस्टी लगा था। और उसमें घी ऐड किया गया था, राइस के साथ सर्व किया था, अमेजिंग था। उसके बाद से इसका ऊपर हम मेरा प्यार आ गया है। राजमा बहुत टाइप का होता है, बाय कश्मीरी छोटा छोटा जो किडनी बीन्स था वो बहुत पसंद आता है हमको। इसका हेल्थ बेनिफिट एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें एड वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। अभी देखिए सॉल्ट डाल दिया एंड काश ये राजमा को भी डाल दिया है। अभी सबको यही मसाला एंड राजमा को अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे, मैंने फ्राई करना मसाला को फ्राई करेंगे अच्छे से, उसके साथ राजमा भी फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अभी लास्ट में ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट ऐड कर दिया, आई थिंक सॉल्ट ऐड कर दिया। अभी हम इसका ऊपर जैसे फ्राई हो जाएगा हम वाटर ऐड करेंगे। अगर ड्राई वाला राजमा बनाना चाहते हैं तो राजमा को बॉईल कर लीजिएगा, अगर ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो राजमा को ऐसे ही जस्ट हल्का सा गर्म करके उसका पानी निकाल दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट प्रेशर कुकर में बनाइएगा। अभी देखिए जैसे बॉयल हो जाता है हम गरम मसाला ऐड करके एंड मेथी पाउडर ऐड करके उसको थोड़ा सा 3 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे और लास्ट में हम घी ऐड करेंगे। हम इसमें घी ऐड नहीं किया, आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। सर्व करने का टाइम में गरम राजमा एंड घी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप पूरी के साथ, राइस के साथ, जीरा राइस सबके साथ सर्व कर सकते हैं। और मेरा राजमा रेसिपी आपको पसंद आया, ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। मोर अपडेट्स के लिए बाय बाय।